तो आज की ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से न्यू ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऑलरेडी ईमेल आईडी है और आप एक और अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल ऐप ओपन करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी सबके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको गूगल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपके पास अगर ऑलरेडी एक ईमेल आईडी बना हुआ है तो आप यहाँ से उसे लॉगिन कर सकते हैं अपना ईमेल आईडी डाल के। अदरवाइज़ अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो टू मैनेज माई बिजनेस को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आपको फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल देना है। मैं कोई भी रैंडम नेम ले लेता हूँ, जैसे कि राकेश शर्मा। फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर चूज कर लेना है। अब यहाँ से आपको अपना ईमेल एड्रेस चूज कर लेना है, जिससे कि बाद में आप साइन इन कर सकें। तो मैं ले लेता हूँ राकेश शर्मा, एंड देन इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये ऑलरेडी यूज्ड है, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर चेंज कर देने के बाद भी ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दिया जाएगा कि कौन सा ईमेल एड्रेस अभी आपके लिए अवेलेबल है। आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एज ए ईमेल एड्रेस और फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी अपना आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, और फिर यहाँ से कंफर्म कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें बताया गया कि अगर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हैं अपने ईमेल आईडी में तो आपके लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है। इसको रीड कर लेने के बाद आप यहाँ से यस आई एम इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से प्राइवेसी एंड टर्म्स को रीड कर लेने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो गूगल की तरफ से ईमेल आया है। तो दोस्तों, यहीं तक थी ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और इसी तरह की और अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।